हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, एक कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है एक स्टॉक में, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी IOC। स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताऊंगा कि जिसके पास ये स्टॉक है उसको किस रेशियो में बोनस शेयर मिलने वाले हैं, एंड होप आप सभी को ये सब पता ही होगा फिर ये वीडियो के लिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि बोनस से क्या फायदा हो सकता है आपको, एंड क्या फायदा होता है या कोई फायदा होता ही नहीं है, फिर ये बोनस होता क्यों है, इसके बारे में भी आप सभी के साथ बताऊंगा। सेकेंड थिंग, क्या ये स्टॉक इन लेवल्स पे बाइंग करने लायक है या फिर नहीं है, और कब तक आपको बोनस शेयर मिलेंगे, क्या बोनस शेयर के लिए बाय करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप सिंपल और छोटी भाषा में बोले तो बोनस से रिलेटेड ए टू जेड चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। देखिए, हो सकता है आप IOC में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बोनस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी बोनस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लेंगे तो। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, आपको लाल बटन होगा उसको सब्सक्राइब करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इन केस अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए एंड लगे कि हां यार बंदे ने ठीक बोला, तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर या स्टॉक से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सब कुछ स्टार्ट कर दिया हमने, सब कुछ शेयर कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। 108 रुपीज के भाव पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम, 108 के भाव पर करंट मार्केट प्राइस है, लगभग 1 रुपए तेज है। मार्केट में अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रही है, बट ऐसा ही लगता है दोबारा नीचे आ जाती है। मैंने आपके साथ लेवल शेयर कर रखे हैं निफ्टी के, आप मेरी आज की पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जहां मैंने आप सभी के साथ निफ्टी पे पूरे लेवल शेयर करे हैं। आज की बात करें, 58 लाख शेयर ट्रेड हुए, 1.3 करोड़ शेयर का एवरेज वॉल्यूम है, 4K प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 13% की डिविडेंड यील है, जो कि इसकी लाइमलाइट भी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 27 का अर्निंग पर शेयर है। आप सभी के साथ डिटेल में मैं इसके फाइनेंशियल शेयर कर दूं। सबसे पहले मेरे हिसाब से हम बोनस पे बात करने आए तो केवल और केवल बोनस पे बात करते हैं, स्टॉक के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है बोनस होता क्या है। बोनस शेयर होता है जहां कंपनी कहीं ना कहीं अपने स्टॉक को बोनस देती है। बोनस देती क्यों है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूं छोटे से टाइम फ्रेम में, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। बेस्ट एग्जांपल मेरे लिए होगा MRF। अगर MRF का स्टॉक देखेंगे ना आप, तो अराउंड 65,000-70,000 करीब के प्राइस के करीब का स्टॉक है वो, एंड 1 लाख के प्राइस तक गया था वो स्टॉक। क्या वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या वो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल उसका प्राइस जो है इतना हाई क्यों है, क्योंकि उस स्टॉक ने आज तक ना कोई स्प्लिट ना कोई बोनस इश्यू करा। एंड अगर यही काम और कंपनियां लाइक इंफोसिस, TCS, मदरशन सुमी, ये सारी कंपनियां भी अगर ऐसा करती तो इनका स्टॉक का प्राइस लगभग 2-4 लाख रुपए पर शेयर का होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि बोनस क्यों करा जाता है। अगर अभी भी नहीं समझे तो और मैं आसान करता हूं। बोनस इसलिए करते हैं ताकि आपके लिए स्टॉक अफोर्डेबल बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टायर स्टॉक खरीदना चाहते हैं, आप MRF खरीदना चाहते हैं, एंड आपकी पोर्टफोलियो 50,000 रुपए की है। अब आप तो MRF खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो 70,000 का एकमात्र स्टॉक है। अगर आप 2 लाख भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से एक ही शेयर में 70,000 तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, MRF की जगह या JK टायर खरीदेंगे, CET खरीदेंगे, अपोलो टायर खरीदेंगे, बट MRF नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बहुत हैवी है। तो बस यही रीजन होता है कि कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को अफोर्डेबल एंड लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बोनस या स्टॉक स्प्लिट देती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 की फेस वैल्यू पे कोई स्टॉक आ गया उसके बाद स्टॉक स्प्लिट तो हो नहीं सकता, फिर वो क्या करते हैं, बोनस इश्यू करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दैट मींस कोई फायदा होता हुआ दिखता है क्या बोनस से, आपके एक शेयर के 2 शेयर हो जाएं या फिर 2 शेयर पे 3 शेयर हो जाएं, या जो भी रेशियो में होता है वो भी। अगर IOC की बात करें तो यहां पे 1:2, यानी हर 2 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस के रूप में मिलेगा। तो क्या आपके 2 के 3 शेयर होंगे, यहां पे बहुत अजीब अजीब से सवाल आते हैं, लाइक मेरे पास 3 शेयर है तो मेरा क्या होगा एंड लाइक दैट। तो मैं इनके बारे में भी आप सभी को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, IOC के जो बोनस की मैंने आप सभी के साथ जो रेशियो शेयर करा वो 1:2, यानी हर 2 शेयर पे 1 शेयर है। तो यहां आपके पास फॉर एग्जांपल 10 शेयर है, तो अब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो लाइक अभी आपके पास 10 शेयर है इंटू 110 के भाव से, ठीक है, यानी कि आपके 1100 रुपए 10 शेयर में लगे हुए हैं। अब यही शेयर क्या होंगे, 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी इसको मैं क्या करता हूं, 15 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब नया मार्केट नया
जो अमाउंट निकला स्टॉक का वो अराउंड 73-74 रुपीज के पास का निकला, यानी कि नया प्राइस जो होगा आफ्टर बोनस स्टॉक का वो 73-74 रुपए का होगा। अब क्या हुआ यार, आपको अगर शेयर बढ़ा के दे दिए कंपनी ने लेकिन स्टॉक प्राइस तो गिरा दिया, अब इससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये केवल और केवल स्टॉक को अफोर्डेबल एंड लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होता है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें फर्क नहीं होता, ना कोई बेनिफिट होता आपको शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको बेनिफिट हो, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ये केवल और केवल अफोर्डेबल एंड लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सारी आप चीजें समझ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं किस किस को बोनस मिलेगा। तो 30 जून यानी 30th जून की डेट आप नोट कर लीजिए, जिसके पास भी ये शेयर 29th जून तक जो भी खरीदेगा, बेशक आप 29th जून को बाय कर रहे हो तो भी आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब बोनस आपको मिलेगा कब? अब ऐसा तो नहीं है आज आप 29th जून को बाय करा, 30 जून को स्टॉक का प्राइस तो गिर जाएगा, 74 रुपीस हो जाएगा, 74-73 अभी के हिसाब से बता रहा हूं, उस टाइम जो प्राइस होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी के प्राइस से हम मान लेते हैं 29 जून को क्लोजिंग मिलती है अगर 110 रुपए के भाव पर, तो ये 30 जून को जो है 74 रुपीस पे स्टॉक ओपन होगा, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है लॉस शो करे, हो सकता है अमाउंट कम इन्वेस्टेड हो एंड कम पैसा दिखे आपको, क्योंकि आपने तो 110 के भाव से खरीदे ना। आपके अकाउंट में जो भी बोनस के स्टॉक है वो कब तक आएंगे? तो रिकॉर्ड डेट इस स्टॉक की अराउंड 2nd जुलाई या फिर 1st जुलाई होगी, एंड उसके बाद आपको विद इन 2 or 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ही ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब इस बीच में सवाल ये भी उठता है कि क्या ये स्टॉक को हम 30 जून को बेच सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल ना होगा। अगर आप बेचेंगे तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके अकाउंट में स्टॉक्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक बार और रिपीट कर दूं छोटी सी बात, कि जो भी बोनस के लिए इसमें बाय करना चाहता है वो 29 जून तक खरीद ले एंड लगभग 2 जुलाई तक होल्ड करे। सिंपल सी बात है, आपके अकाउंट में स्टॉक क्रेडिट हो जाएंगे एंड आप बाय के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो IOC के स्टॉक के बारे में, बोनस पे हम लोगों ने बात करी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बना के समझाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।